फिलहाल हम पहुंचे हैं रामकिशन फौजी जो 3 बार के विधायक रह चुके हैं उनसे बात करते हैं। सर आज भिवानी की राजनीति की बात करें तो किस नंबर पर लग रही है राजनीति? देखिए भिवानी के बारे में जो हमारी सांसद थी श्रुति चौधरी जी, उन्होंने NCR में शामिल कराया और खास करके मेडिकल कॉलेज की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे हिरवाल की बात हो, वहाँ पानी की व्यवस्था करना, डिग्गी की, वाटर वर्क्स की, तो बहुत काम किए। जो आज का जो सांसद है हमारा, वो तो पहले उसने खुद नहीं कह दिया कि मैं निकम्मा हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ। काबिल किसको नहीं हूँ कि मैंने काम नहीं करा पाया। और अब की बारे में लोकसभा का इलेक्शन, वजह क्या रहती है कि लोगों के पास जब वोट मांगने के लिए जाता है तो लोग उसको गांव में बढ़ने ही नहीं देते, क्या वजह रहती है आजकल राजनीति में? वजह ये रहती है उनसे संपर्क ना करना, विकास ना करना, और ये जुमले जो बोलते हैं इलेक्शन के दौरान में जो जीतने के लिए, वो जुमले जो झूठ बोलते हैं, और वो झूठ पूरी ना होना, असत्य बातें कभी पूरी नहीं होती। चौधरी बंसीलाल का परिवार जो कहता है वो करता है, और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। तो आज का जो हमारा जो भिवानी महेंद्रगढ़ का सांसद है, उसके सामने यही चुनौती है। गांव के लोग जो आज हिसाब करने का मौका है, वो पूछेंगे, उनका अधिकार है, प्रजातंत्र है, कि आपने ये बात कही थी नहीं करी। अब आज गैस का सिलेंडर की कीमत लगाओ, आज यूरिया के जो किसान की जो उसके अंदर चोरी हुई है, 50 किलो का बैग था, 45 किलो का किया है। डीजल पेट्रोल की कीमत पूछते हैं, 15 लाख रुपये जो खाते आने की बात करते थे, तो इसलिए उनका विरोध हो रहा है। और सर आप तो गांव में वोट मांगने के लिए आते हैं, जगह जगह आपने राउंड किया है, तो किसानों ने क्या समस्याएं उठाई, किसी बस किसानों के क्या काम नहीं हो रहे, क्यों परेशान है, इस तरह क्या माहौल आया किसान? किसान की बात यह है कि ये जो सरकार थी, इन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट की लागू करने की बात की थी, किसान के फसल के भाव देने की बात करी थी, किसान की जो बाढ़ के दौरान में फसल तबाह हो जाती थी उनकी पैसे देने की, मुआवजा देने की बात करी, ना मुआवजा मिला, ना फसल बीमा योजना के नाम से जो लूट जो की थी किसानों से वो पैसा वापस मिला। इसलिए विरोध कर रहे हैं लोग कि जो उन्होंने वादे किए थे और वादे पूरे नहीं किए, इसलिए हम इस बीजेपी की सरकार को हटाएंगे। और जो आज का सांसद है, चाहे दिग्विजय चौटाला हो, जब ये इलेक्शन की बात आए तो मोदी की बात करते हैं, जब समर्थन की बात आए तो मोदी की बात करते हैं। अभी इनसे पूछे कोई, आप किसका समर्थन करोगे, कि बीजेपी भी खराब है, कांग्रेस भी खराब है, दूसरे लोग भी खराब है, तो ये किसका समर्थन करें? ये बड़े स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोगों को लोग समझ चुके, और मुझे आशा और विश्वास है जैसा माहौल है, आपकी बार हम गांव में जाते हैं, कार्यकर्ता से मिलते हैं, दूसरी पार्टी के लोग भी मिलते हैं, तो वहीं जाते हैं तो वही यही कहते हैं, भाई आपकी बार कांग्रेस आएगी। 2014 में मोदी लहर कह रहे थे, क्या आपको लग रहा है कि आपको मोदी लहर है या वैसे जुमलापंथी? आपकी बार कोई लहर नहीं है मोदी की, एक ये वीडियो और TV के अंदर जो पैसे के बलबूते पे अंडानी और अंबानी का जो फायदा पहुंचाया था चैनलों के द्वारा, एक माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं। और अब की बार जो है, चाहे अभी इलेक्शन पहले जो चरण का हुआ है उसमें सर्वे आया है कि गठबंधन जीतेगा कांग्रेस का, और आज जो है मतलब हर आदमी के पास जाके देखो, इनका काम पूछो आप, देश हित में काम क्या क्या ये पूछो। अगर हम भिवानी की बात करें तो भिवानों का आप कौन सी पार्टी को विपक्ष की पार्टी मानते हैं, अगर भिवानी की चुनाव की बात करें तो? विपक्ष रहे नहीं का, एक तरफा इलेक्शन होगा, कांग्रेस के हक में होगा, अब विपक्ष किस बात का? देख लिया जो लोग थे उनको विपक्ष क्यों दोगे, क्या अधिकार उनका? अब की बार एक ही है कि 10 की 10 सीट है हरियाणा की जो है, न जाति पे न किसी समाज पे, सभी कांग्रेस के हाथ के निशान पे, राहुल गांधी को हाथ मजबूत करना है, 10 की 10 सीटें हम कांग्रेस को। ठीक है सर, ये थे हमारे साथ 3 बार विधायक रह चुके रामकिशन फौजी जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि आपके 10 की 10 सीटें कांग्रेस की सीटें होंगी। जय हिंद जय भारत।